वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवा बजट पेश किया है, जो कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा 2024 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप्ट मत करना, क्योंकि पूरे वीडियो में टैक्स नियम 2023 का पूरा गणित समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बजट में टैक्स पेयर का खासम खास ख्याल रखा गया है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर के लिए टैक्स का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता है, जबकि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था आपको बहुत तरह की छूट क्लेम करने का मौका या कह सकते हैं ऑप्शन मिलता है, जैसे फॉर्म 80C के तहत 1.5 लाख की छूट, 80D के तहत 25,000 की छूट, ऐसे ही कई तरह से आप छूट क्लेम कर सकते हैं। मगर नई व्यवस्था में सरकार ने कहा कि आप छूट क्लेम मत करिए, हम आपकी टैक्स स्लैब को बढ़ा देते हैं, जिसमें आपको कम टैक्स देना पड़े। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर यह टैक्स स्लैब है क्या। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए सालाना कमाता है तो उसके लिए कितना टैक्स लगेगा। नई टैक्स में 2 कैटेगरी का खास ध्यान दिया गया है। पहला कैटेगरी में वैसे लोग जो 7 लाख रुपए सालाना कमाता हो, या कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति 7.5 लाख रुपए कमाता हो, तो ऐसे आदमी को टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप 7 लाख या वेतन पाने के मामले में 7.5 लाख रुपया सालाना से ज़्यादा कमाते हैं, तो आपको नई टैक्स व्यवस्था में दी गई स्लैब के हिसाब से जाना होगा। मतलब आप 7 लाख रुपये तक सालाना अगर कमा रहे हैं तो आप टैक्स फ्री हैं, मतलब आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जैसे ही आपकी कमाई 7 लाख रुपये को पार करती है, वैसे ही आप टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाते हैं। अब इस स्लैब को समझते हैं, यहीं पर सब मार खा जाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। लोग स्लैब देखकर समझते हैं कि जैसा 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स है, तो मेरी कुल आय पर यही 10% टैक्स लागू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। समझिए, जब आप 7 लाख के आंकड़े को पार करते हैं या इससे ज़्यादा कमाते हैं, तो आपकी इनकम इस स्लैब के अकॉर्डिंग विभाजित होकर उस पर टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम 9 लाख रुपया सालाना है, तो आपकी इनकम इस स्लैब के अनुसार इस तरह विभाजित टैक्स लगेगी कि पहला 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, नील, दूसरा 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, जो कि आपका 3 लाख पर 5% के टैक्स के हिसाब से आपका 15,000 रुपया, और दूसरे 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स, जो कि इस 3 लाख पर 10% टैक्स का मतलब 30,000 रुपया। तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो आप पता है कि पहला 3 लाख पर 0, दूसरा 3 लाख पर 15,000 और तीसरा 3 लाख पर 30,000, तो कुल मिलाकर वो 45,000 रुपया टैक्स के रूप में लग रहा है। 4% सेस, जो कि 1,800 रुपया होता है, कुल मिलाकर 46,800 रुपया आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपकी इनकम सालाना 12 लाख रुपया है, तो पहला जो 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, फिर 3 से 6 लाख पर 5% आपका टैक्स दर लगता है, जिसका आपका 15,000 रुपये बन रहा है, 6 से 9 लाख पर 10% के दर पर आपका 30,000 रुपये बन रहा है, और 9 से 12 लाख पर 15% के दर पर आपका 45,000 रुपये बन रहा है। तो कुल जो टैक्स लगेगा वो आपका 0 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, जिसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 90,000 रुपये बन रहा है, और साथ ही इसके 4% शेष लगता है, जो कि आपका 3600 रुपया बन रहा है। तो कुल मिला के आपको 93,600 रुपया आपको टैक्स देना होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था की बात करें तो अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपये सालाना है, तो आपकी इनकम पर टैक्स लगेगी वह इस प्रकार है। जैसे 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए 5% के दर पर आपका 12,500 रुपया टैक्स,
5 लाख से 7.5 लाख के बीच इस 2.5 लाख में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपका 25,000 रुपया हो रहा है। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 15% का टैक्स देना होता है, जिसमें अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपया है तो 7.5 लाख और 9 लाख के बीच में अगर डिफरेंस निकल के आ रहा है तो वो 1.5 लाख का है, तो आपको 1.5 लाख का ही इस कैटेगरी में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख का अगर 15% निकालें तो 22,500 निकल के आ रहा है, तो इस हिसाब से कुल टैक्स जो आपको लगेगा वो है 0 + 12,500 + 25,000 + 22,500, तो कुल मिला के 60,000 और 2,400 रुपया सेस देना पड़ेगा, जो कि 60,000 रुपया का 4% है, और कुल मिला के 62,400 रुपया आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि अभी के टैक्स से 15,600 रुपया ज़्यादा है। तो अभी का टैक्स इस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि बेटर है।